6 दिसंबर 2013 जुमा का दिन था, आज भी शुक्रवार ही है, जुमा ही है। मैं जुमा की नमाज़ की तैयारी कर रहा था, बाथरूम से निकला ही था, एक गाड़ी पहुंची, तो उसमें सिविल वर्दी में कुछ अफसर थे। उन्होंने मुझे घर से बाहर बुलाया और मैं जैसे ही घर से बाहर आया तो वो मुझे पटक के उसमें डालने लगे गाड़ी में। मैंने उनसे कहा, सर आप कौन लोग हैं, आप मुझसे बात कीजिए, आप बैठिए, आप कहाँ से आए, आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए, मैं सपोर्ट करूँगा आपकी, मैं मदद करूँगा। तो उन्होंने वहाँ ही रुक कर उन्होंने कहा कि आप को किसी लड़की, एक पलवल ज़िले से लड़की भागी है, उस मामले में आपसे पूछताछ करूँगी। मैंने कहा सर बैठिए आप। मैंने उनके लिए चारपाई बिछाई, मैं मेवली गांव में इमामत करता था, वहाँ इमाम था, तो वो थोड़ी देर के लिए बैठे और उन्होंने कहा कि हम आप सर एस के ऑफिस जाकर बात करेंगे। मैंने कहा सर नमाज का वक्त करीब है, बिल्कुल 10 मिनट हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं मस्जिद में, तो मैं नमाज पढ़ाऊँ उसके बाद फिर मैं आपके साथ चलूँगा, कोई बात नहीं, गांव के एक दो लोग और भी चलेंगे, आपकी तफ्तीश में मदद करें। मैंने जुमा की नमाज़ पढ़ाई, इन्होंने उस वक्त पूरे गांव को घेर लिया था, कमांडो और फोर्सेस इन्होंने बुला ली और बहुत सारी पुलिस इन्होंने बुला गई। मस्जिद आ गए, जब ये पहुँच गए तो मैं जब निकला और मुक्तदी निकला तो उन्होंने कहा इमाम साहब क्या मामला है, तो कोई मामला तो कुछ भी नहीं है। खैर तो मैं इनके साथ 9 SP ऑफिस आ गया। RSS के जो एजेंट्स हैं दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसमें एक नैरेटिव पिछले कई सालों से तैयार किया कि शेड्यूल कास्ट के लोग नक्सलाइट, शेड्यूल ट्राइब के लोग नक्सलाइट, मुस्लिम लोग आतंकवादी, पाकिस्तानी टेररिस्ट, लश्कर-ए-तैयबा और ये सब ISIS, और इस सब का एक झूठा नैरेटिव तैयार किया और इसमें बे इंतहा बहुत ज़्यादा संख्या में बेगुनाह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को और नॉर्थ ईस्ट में और दूसरी जगहों पे भी, चाहे तो वो तेलंगाना हो, चाहे बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो और यूपी हो, वहाँ से भी, और अब मेवात में भी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मेवात के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ पे लोग लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान से संबंध है इनके, और दिल्ली में बड़े बड़े बम धमाके करने की साजिश की जा रही थी, बिजनेसमैन को किडनैप कर। तो एक IB ने स्पेशल सेल में कंप्लेंट कराई कि उन्होंने जावेद बलूची नाम के लश्कर-ए-तैयबा के नोन वेल नोन आतंकवादी के साथ बातचीत इंटरसेप्ट की है कुछ मुस्लिम नौजवानों की, कुछ फोन नंबर्स पे जो कि राजस्थान और हरियाणा के, और उसके लिए 7 साल तक मुकदमा चला। मेरे दोनों तरफ राशिद और शाहिद हैं इन लोगों के ऊपर, जो जिनके पूर्वज भारत की आज़ादी के लिए और उससे पहले भारत को मजबूत और एक साथ रखने के लिए जिनके बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि शायद मनुवादी मानसिकता के लोग सपने भी नहीं, उन लोगों के ऊपर यह झूठा मुकदमा बनाया गया। और अब पिछले साल, इस साल जाके ये लोग बरी हुए हैं, लेकिन बरी होने के साथ साथ मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इन केसेस में सिर्फ बरी करा लेना से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, एक नैरेटिव तैयार किया जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आतंकवादी होते हैं और उनको बरी करा लिया जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होने। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगा के मेहनत करके ये मुकदमा लड़ा और उसमें ये साबित कराया कि ना सिर्फ ये लोग बेगुनाह थे बल्कि इनको झूठा फंसाया गया। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।